दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि Google की जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए एक अकाउंट कैसे बनाया जाता है, एक नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। एक्चुअली है क्या कि Google की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे आप Gmail को ले लीजिए, यूट्यूब, प्ले स्टोर हो गया, या फिर जितनी भी सर्विसेज हैं, हर सर्विसेज के लिए सिर्फ अगर आपकी एक आईडी है, यानी अगर गूगल के अकाउंट पर यदि एक बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो जो आईडी आप क्रिएट करेंगे वह गूगल की सभी सर्विसेज के लिए एक साथ काम करेगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों ही वर्जन यानी कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ही कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गूगल की सर्विसेज के लिए, हम इसको समझेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल पर। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ऑन कर लीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, आपको ढूंढना है कि आपकी मोबाइल में क्रोम ब्राउजर कहाँ है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर एक सर्किल आपको दिखाई दे रहा है जो कि ब्लिंक कर रहा है। इस सर्किल में जो आइकन बना हुआ है, इस आइकन को क्रोम ब्राउजर का आइकन कहते हैं, क्रोम ब्राउजर का एप्लीकेशन कहते हैं। आप अपनी मोबाइल से इस ब्राउजर को ढूंढिए और इस ब्राउजर को आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस ब्राउजर को ओपन करेंगे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगी। अब दोस्तों, यदि आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर ऊपर की ओर राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे, तो एक ब्लैक कलर का सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आपको तीन डॉट मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले इन तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कुछ नए ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसमें कि डेस्कटॉप साइट को आपको सेलेक्ट करना है। इस डेस्कटॉप साइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डेस्कटॉप साइट को क्लिक करेंगे, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वह कुछ चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी जो मोबाइल की स्क्रीन है डेस्कटॉप साइट की ही तरह से दिखाई दे रही है, तो इसमें कोई चेंजेस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन है, अगर मोबाइल मोड में है तो डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब है क्या, यहाँ जो सर्च बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको google.com लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही हमने google.com लिखा और सर्च ऑप्शन पर क्लिक किया, जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और आपके भी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। यह जो मोबाइल की स्क्रीन है ठीक उसी तरह से दिखाई दे रही है जैसे कि कंप्यूटर में दिखाई देती है। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, क्योंकि दोनों ही वर्जन, चाहे कंप्यूटर को देख लीजिए चाहे आप मोबाइल को देख लीजिए, दोनों ही वर्जन में सेम तरीके से काम आपको करता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों, इससे पहले कि हम चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गूगल की किन किन सर्विसों के लिए आप एक बार में रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसा कि आप इस समय अपने वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जितनी भी सर्विसेज आपको दिखाई दे रही है, यह सारी की सारी सर्विसेज गूगल की सर्विसेज हैं। और जब आप एक आईडी क्रिएट करेंगे, एक नई आईडी बनाएंगे, तो इन सभी सर्विसेज के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इन सभी के लिए अलग अलग आईडी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हमने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपेरा ब्राउजर को ओपन किया हुआ है, और यहाँ भी हमने google.com की जो साइट है इसी को ओपन किया हुआ है, जैसा कि आप अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे थे। अब यदि आप अपने ब्राउजर के ऊपर की ओर राइट साइड में अगर आप ध्यान देंगे, तो एक जो ब्लिंक करता हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ की साइन इन लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी जो कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन है वह कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। यदि आप जो मेल आईडी बनाना चाहते हैं उसका उद्देश्य है कि आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकें, तो आप सेकेंड ऑप्शन पर जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम पर्सनल यूज के लिए एक मेल आईडी बनाने जा रहे हैं, तो हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो कि ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को आपको भरना है। अब दोस्तों, हमारे एक LIC एजेंट हैं जिनका नाम है अरविंद कुमार ठाकुर। आपने हमसे कहा है कि सर, हमारे लिए एक मेल आईडी क्रिएट कर दीजिए, तो इनके लिए एक लंबा काम है और वो सारे काम को हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे मैं उनका काम कंप्लीट करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे
इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी भी देते जा रहा हूँ। अब इसमें है क्या कि यह जो ब्लिंक करता हुआ पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यदि आप ऊपर देखेंगे तो इसमें फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम जैसे अब हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो मित्र हैं, इनका नाम है अरविंद कुमार ठाकुर, तो हमको क्या लिखना है, अरविंद कुमार इस पहले ऑप्शन में लिखा जाएगा और सेकेंड ऑप्शन में ठाकुर लिखा जाएगा। अब सपोज दैट यदि आपका नाम अरविंद ठाकुर है तो फर्स्ट नेम में अरविंद और लास्ट नेम में ठाकुर लिखा जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको एक यूजर नेम बनाना पड़ता है। आप कोई भी यूनिक सा यूजर नेम सोच लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो यूजर नेम आप दे रहे हैं वह यूजर नेम आपको मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है उस यूजर नेम पर कोई दूसरा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो यूजर नेम होता है मेल आईडी के लिए वह यूनिक होता है। तो यदि वह यूजर नेम आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो नीचे कुछ सजेशन मिलते हैं, या फिर आपको यूजर नेम के लिए एक दो बार अलग अलग कीवर्ड के साथ प्रयास करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आप एक बेहतरीन सा यूजर नेम चूज कर सकें उसके लिए मैं कुछ सजेशन कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यदि यह जानकारी आपको होती है तो निश्चित रूप से यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। हमने जो यूजर नेम सर्च किया है अरविंद बीमा वाले, चूंकि वह आप LIC के एजेंट हैं अरविंद जी, तो हमने अरविंद बीमा वाले के नाम से मेल आईडी बनाई जो कि एक्सेप्ट हो चुकी है। अब है क्या कि जब आप मेल आईडी बना रहे हैं तो मेल आईडी बनाने से पहले आपको यह टारगेट करना होगा कि आप किस तरह की मेल आईडी यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बात होती है नॉर्मल यूज के लिए, जैसे मान लीजिए जब आप मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं या मोबाइल के पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, मतलब इसका कोई विशेष उपयोग नहीं है, तो उसमें सिर्फ आप अपना नाम दे सकते हैं, उसके साथ कुछ नंबर्स ले सकते हैं, जैसे अरविंद कुमार 851 इस समय आपको दिखाई दे रहा है, या ठाकुर अरविंद कुमार 969 इनको जो है मिल रहा था मेल आईडी। तो इस तरह की जो मेल आईडी है इसका अगर नॉर्मल उपयोग है, कहीं एक दो अगर आपको मेल भेज देना है, मतलब उसका कोई प्रोफेशनल या ऑफिशियल कोई उपयोग नहीं है, तो आप जैसे चाहे वैसे मेल आईडी बनाएं, वो आपके लिए उपयोगी हो जाएगी। लेकिन यदि आप एक ऐसी मेल आईडी बनाना चाहते हैं कि मेल आईडी बनाने के बाद आप उसका उपयोग करेंगे पब्लिक रिलेशनशिप के यूज के लिए, जैसे मैं अरविंद कुमार ठाकुर जी LIC के अभिकर्ता हैं, LIC के एजेंट हैं, अब आप चाहते हैं कि यह जो मेल आईडी बनेगी इसका उपयोग अपने जो कस्टमर हैं कस्टमर रिलेशनशिप में करेंगे, तो मुझे लगता है दोस्तों कि हमको यदि पब्लिक के साथ रिलेशन डेवलप करना है तो जो मेल आईडी बना रहे हैं वो मेल आईडी इतनी आसान होनी चाहिए कि हम किसी को बताएं और तुरंत की तुरंत याद हो जाए। जैसे होता क्या है, बहुत सारे लोग यूनिक मोबाइल नंबर लेते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि चलो यार हमने जो नंबर लिया हुआ है ये सभी को याद हो जाएगा। ठीक उसी तरह से वही नियम आप यहाँ पर लागू कर सकते हैं। तो यह तो हो गया ईमेल आईडी का दूसरा उपयोग। तीसरा उपयोग होता है ऑफिशियल यूज, यानी आपका जो मेल है उसको कहीं किसी फर्म में ऑफिस यूज के लिए लेते हैं, तो वहां पर भी आपको जो अपनी मेल आईडी है वो काफी यूनिक बनानी होगी। वो थोड़ा सा कठिन भी होगा, थोड़ा सा टफ भी होगा तो चलेगा। तो इस तरह से आप तीन तरीके से मेल आईडी को बना सकते हैं। मेल आईडी बनाते समय इन तीन चीजों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए अच्छा होगा। अब चूंकि मैंने यह जो मेल आईडी बनाई है यह पब्लिक रिलेशनशिप यूज के लिए उपयोग होने वाली है, तो मैंने बिल्कुल साधारण सा नाम रखा है अरविंद बीमा वाले, तो मुझे लगता है कि यह अरविंद जी के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब दोस्तों अगले फॉर्म का जो ऑप्शन आता है पासवर्ड बनाने का, लेकिन पासवर्ड बनाने से पहले कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए आप अपने उपयोग के लिए एक घर बनाते हैं, तो उस घर में आप तमाम चीजें रखेंगे, बहुत सारी यूजुअल चीजें होंगी, बहुत सारी अनयूजुअल चीजें भी आप अपने घर में रखेंगे। जब आप एक घर बनाएंगे तो घर की जरूरत की जितनी भी चीजें होंगी वो आपके घर में अवेलेबल होंगी, कुछ कॉस्टली चीजें होंगी, पैसे रुपए भी आप रख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप एक मेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उस मेल आईडी का उपयोग हो सकता है कि आज की डेट में आपको समझ में न आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में जब आप बैंक में जाएंगे तो आपका बैंक वाला जो आपका बैंकर है वो आपसे आपकी मेल आईडी मांग सकता है, और यदि आप अपनी मेल आईडी को आप अपने बैंक में देते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है यानी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह आपकी मेल आईडी पर भेजी जा सकती है। ठीक इसी तरह से यदि आप LIC हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर आपके जमीन की जो दस्तावेज हैं
मतलब कहीं भी आप अपनी मेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं, यानी मेल आईडी का भी ठीक उसी तरह से उपयोग करना है जैसे कि आप अपने घर का उपयोग करते हैं। अब है क्या कि ऐसा तो नहीं है ना कि आप जब घर बनाएंगे और सपोज दैट आपको 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, ताला लगाएंगे तो ताला लगाकर क्या करेंगे, उसकी चाबी बाहर रख देंगे? नहीं, उसकी चाबी को सुरक्षित रखकर जाएंगे। आप निश्चित रूप से यह निश्चय करेंगे, यह निर्णय करेंगे कि आपके घर में किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना न घटे। ठीक इसी तरह से यह जो मेल आईडी होती है इसका भी उपयोग किया जाता है। तो हमको यहाँ पर जो ताला उपयोग करना है, हम कोई फिजिकल ताला तो यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ का जो ताला होता है उसको पासवर्ड कहा जाता है। तो पासवर्ड बनाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि आप 2 चीजों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी मेल आईडी है वो काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। सबसे पहला चीज क्या है कि आपको 12 डिजिट का या उससे ऊपर का नंबर रखना है। दूसरा चीज, जब आप पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड बनाते समय वह आपके लिए इतना आसान हो कि आप याद रख सकें और दूसरों के लिए वह इतना कठिन हो कि वह उसका आंकड़ा भी न लगा सकें। चलिए मैं कुछ अपने सुझाव देता हूं, मुझे लगता है कि मेरे सुझाव हो सकता है आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हों। तो दोस्तों इसके लिए है क्या, मैं एक अपना ही आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे एक मित्र हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अब है क्या कि जो हमारे मित्र हैं वो गए हुए थे बाजार में, जिस दुकान पर मैं खड़ा हुआ था उसी दुकान पर वह भी खड़े थे और पॉन्ड्स पाउडर को खरीद रहे थे। अब पॉन्ड्स पाउडर को खरीदते समय उनके साथ कुछ नोकझोंक हो गई, वह मुझे याद है। अब उनका जो मोबाइल नंबर है उनके मोबाइल नंबर के आखिरी जो 4 डिजिट हैं वो है 4717, और संयोग की बात है कि उनका भी नाम अरविंद ही है। मिस्टेक हो गया, खैर कोई बात नहीं है, उनका भी नाम अरविंद ही है। तो अब है क्या कि हम इसको ही अपना पासवर्ड बनाते हैं। अब अमूमन लोग करते क्या हैं कि अपना, अपने परिवार यानी अपने जीवन साथी का नाम ले लेते हैं, अपने बच्चों का नाम ले लेते हैं, अपनी गाड़ी की 4 डिजिट या अपने मोबाइल नंबर की 4 डिजिट ले लेते हैं। तो ऐसे पासवर्ड को तोड़ना काफी आसान हो जाता है क्योंकि कोई भी ऐसा अनुमान लगा सकता है। तो इसलिए हमने अपनी डिटेल न लेकर हम एक थर्ड पार्टी की डिटेल हमने यहाँ पर ली हुई है। अब मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी तरह की मेल आई डी बनाइए, आप पॉन्ड्स को चूज कीजिए या किसी नाम को चूज कीजिए। मैं एक सिर्फ एक रास्ता आपको दे रहा हूँ। अब दोस्तों है क्या, अब हम इससे पासवर्ड क्रिएट करते हैं। हमको सबसे पहले लिखना है पॉन्ड्स, लेकिन लिखने में ही कमाल है। कैसे लिखते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमने पॉन्ड्स का जो पी है वह कैपिटल लेटर में ले लिया। अब उसके बाद हमको ओ लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर ओ नहीं लिखेंगे, हम ओ की जगह न्यूमेरिकल नंबर का 0 लिख देंगे। यह देखने में आपको ओ जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में यह ओ नहीं है, यह 0 यानी 0 लिखा हुआ है। इसके बाद एन स्मॉल लिख दिया, डी स्मॉल लिख दिया, और जो यस है इसको मैंने यस न लिख कर जो स्पेशल करेक्टर में डॉलर का सिंबल होता है हमने उस डॉलर सिंबल को बना दिया। अब इसके बाद 4717 लिख दिए और अरविंद के ए को कैपिटल लिखा, उसके बाद R स्मॉल, V स्मॉल, और जो I लिखा हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल नंबर में और I को हम 1 कर देते हैं, और इसके बाद हम लिख देते हैं ND। यानी कि यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ जो 3 अक्षर थे उनको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, या तो स्पेशल करेक्टर में चेंज कर दिया हूँ या तो नंबर में चेंज कर दिया हूँ। तो यदि आप इसको काउंट करके देखिए तो यह जो टोटल नंबर्स आते हैं यह 15 डिजिट के नंबर हो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि 15 डिजिट, 12 डिजिट या उससे ऊपर के जो डिजिट हैं, इतने डिजिट के अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो इसको तोड़ना काफी कठिन है। और ऐसे ईमेल आईडी का उपयोग अगर आप कहीं भी करते हैं तो वह काफी सिक्योर माना जाता है। तो हमारे लिए यह जो है हमारा पासवर्ड हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं, इस पासवर्ड को फिल कर देते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था उसमें हमने पासवर्ड फिल किया, फिर दूसरे ऑप्शन में वही पासवर्ड को हमको लिखना होता है, और इसके बाद नीचे जो ब्लिंक करता हुआ एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। तो जो मोबाइल नंबर आप यूज करते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ लिख कर और फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज चला जाएगा। वहां पर 6 डिजिट के वेरिफिकेशन कोड आपको मिलेंगे, उस कोड को आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद यह जो वेरीफाई का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो फोन नंबर जो आपने डाला हुआ था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
इसके बाद यदि आप चाहें और आपके पास कोई दूसरा एक ऐसी मेल आईडी है जिस पर कि आप विश्वास करते हैं कि वह आपके साथ गलत नहीं करेगा, तो रिकवरी के लिए एक मेल आईडी आप यहां पर दे सकते हैं, क्योंकि यह ऑप्शनल है, इसको छोड़ा भी जा सकता है। इसके बाद फिर आपको अपनी जन्मतिथि यहाँ पर देनी होती है और उसके बाद फिर जेंडर आपको चयन करना है। यदि आप पुरुष हैं तो यहाँ पर मेल लिख सकते हैं, यदि आप महिला हैं तो आप फिर यहाँ पर फीमेल लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल में दिखने लगेगी। यहाँ पर हम यस आई एम इन, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर करते हैं यस आई एम इन पर। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यह कुछ गूगल की टर्म और कंडीशन आती है। हम इस टर्म कंडीशन को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और यहाँ लास्ट में आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, यह रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। पहले क्या था कि यदि आप ऊपर की ओर राइट साइड में ध्यान दे रहे थे तो यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर कन्वर्ट होकर ए में बदल गया है। अब चूंकि यहाँ पर अरविंद का जो पहला अक्षर है ए, तो इसने पहले अक्षर को ही यहाँ पर ले लिया है। इसको कैसे चेंज करते हैं हम आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर चलिए हम एक बार यह जो ए ऑप्शन लिखा है इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है, अरविंद कुमार ठाकुर अरविंद बीमा वाले @gmail.com ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो जीमेल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस जीमेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही जीमेल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि जीमेल आपका ओपन हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली ही आपकी एक जीमेल की आईडी बन चुकी है। अब इसका उपयोग आप अपने यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है, जो सुझाव है, वह आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो। तो यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या फिर गूगल के संबंध में या फिर मेल आईडी के संबंध में यदि आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी लाइफ बिजी चलती है तो हो सकता है कि उत्तर देने में थोड़ा समय लगे, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र अतिशीघ्र मैं आपके प्रश्नों को कवर कर सकूं। अब दोस्तों, लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी है और साथ में अच्छी भी लगी है, तो फिर मैं आपसे यह कहूंगा कि इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन बनी हुई है, उस बटन को कर दें क्लिक, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो चैनल है इसके ग्रो बढ़ते हैं। और यदि आप इसी तरह की जानकारी से फ्यूचर में भी अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फिर साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। ऐसा करने से, यानी बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने से आपको बेनिफिट यह हो जाएगा कि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है और यह वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है, लेकिन चूंकि जानकारी ऐसी थी कि अगर मैं किसी चीज को हाइड करता या इसको अगर मैं मर्ज करके छोटा करता तो जो चीज मैं देना चाहता था नहीं दे पाता। फिर भी आपने हमारी इस पूरी वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।